गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप सब। बेटा हमने लास्ट जो क्लास थी उसमें ये आइडेंटिटीज़ डिस्कस की थी, ये फॉर्मूले डिस्कस किए थे। उसमें क्या था बेटा, एक्स अपॉन वाई अगर हो और पावर माइनस में हो तो क्या होगा, इनका रेसिप्रोकल हो जाएगा, वाई अपॉन एक्स पावर हो जाएगी प्लस में। ठीक है, आगे क्या देखा था बेटा, हमने आगे क्या सीखा था, अगर बेस सेम हो पावर को क्या करते हैं, अगर बेस सेम हो पावर अलग अलग हो या सेम हो तो पावर्स को ऐड कर देते हैं। मल्टीप्लाई के केस में अगर डिवाइड का केस है, बेस सेम है तो पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और अगर बेस डिफरेंट है पावर सेम है तो हम उसको इस फॉर्म में लिख देते हैं, एक्स मल्टीप्लाई वाई और उनका होल पावर कर देते हैं एन। ठीक है, आगे बात करते हैं, एक्स अपॉन वाई और उन दोनों की पावर सेम है, मीन्स डिफरेंट बेस पावर सेम। ठीक है, क्या करेंगे उसको बेटा, क्या करेंगे उनको होल पावर करके लिख देंगे ऐसे। ठीक है, होल पावर करके लिख देंगे। आगे चलते हैं, अगर ब्रैकेट से बाहर पावर है, ब्रैकेट के अंदर भी पावर है तो क्या करेंगे, दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर किसी भी वेरिएबल या किसी भी नंबर की पावर अगर जीरो है तो क्या करोगे बेटा, उनका किसी भी वेरिएबल या नंबर की पावर जीरो है तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है वो है इक्वल टू वन, वो किसके इक्वल है, वन के इक्वल। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, ओके क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इवैल्यूएट लिखा हुआ है, आप अपनी नोटबुक बेटा ओपन करके बैठ जाइए और इसको, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर पार्ट्स हैं, ए बी सी और डी, इनको इवैल्यूएट करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट करते हैं, सोल्व कैसे करेंगे सोल्व। बेटा एक फॉर्मूला और था, वो फॉर्मूला क्या था, मैं आपको यहाँ स्पेस है, चलो यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे अगर किसी भी वेरिएबल की पावर जीरो इक्वल टू वन होता है, इसके अलावा एक फॉर्मूला ये था, किसी भी नंबर की पावर अगर माइनस में है तो वो नीचे आके क्या होगी, प्लस में हो जाएगी पावर। क्या होगी बेटा, पावर हो जाएगी नीचे आके प्लस में। तो ये क्या होगा, पावर नीचे आके प्लस में हो जाएगी, वन अपॉन थ्री की पावर टू। ठीक है, तो वन अपॉन थ्री की पावर टू, थ्री की पावर टू को क्या लिख सकते हैं, नाइन लिख सकते हैं आंसर। देखो मैं दोबारा से बताता हूँ, पावर ऊपर थी माइनस में, नीचे आके प्लस में, थ्री की पावर टू होती है नाइन, बस इतना सा काम है। आगे चलो इस क्वेश्चन को करते हैं सोल्व, कैसे करेंगे बेटा इस क्वेश्चन को सोल्व, पावर को नीचे ले आओ, पावर को नीचे लेके आएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, पावर हो जाएगी प्लस में। ठीक है, अब माइनस फाइव की पावर फोर, माइनस फाइव, माइनस का, माइनस की पावर अगर इवन नंबर है, माइनस की पावर अगर इवन नंबर है तो क्या करेंगे बेटा, वो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सबसे पहली बात। दूसरी, फाइव को फोर टाइम्स मल्टीप्लाई करो, फाइव मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई फाइव, कितना आ जाएगा, 625। ठीक है, आगे चलते हैं, वन अपॉन एक्स अपॉन वाई क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला एक्स अपॉन वाई की पावर माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी पावर, क्या होगा, फोर अपॉन वन, पावर हो जाएगी प्लस में। ठीक है, और फोर का स्क्वायर कितना होता है, फोर का स्क्वायर 16, वन का स्क्वायर वन, अपॉन में वन लिखने की जरूरत है क्या, नहीं है, तो हम इसको इतना ही छोड़ देंगे। ओके, समझ में आया। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस फर्स्ट क्वेश्चन का, लास्ट पार्ट है, इसको डिस्कस करते हैं भाई। पावर माइनस में है, पावर को प्लस करने के लिए देखो एक्स अपॉन वाई है, पावर माइनस में तो वाई अपॉन एक्स हो जाएगा, पावर हो जाएगी प्लस में, तो फाइव अपॉन टू हो जाएगा, पावर हो जाएगी प्लस में। ठीक है, इनको क्या लिख सकते हैं, फाइव की पावर थ्री अलग से, टू की पावर थ्री अलग से, फाइव की पावर थ्री कितना होता है 125, टू की पावर थ्री कितना होता है 8, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर वन सोल्व हो चुका, क्वेश्चन नंबर टू के ऊपर चलते हैं। ठीक है बेटे, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर टू लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर टू के थ्री पार्ट्स हैं, ठीक है, और मैंने आपके पास दो पार्ट लिखे हैं, ए और सी। ठीक है, क्वेश्चन में क्या करना है, राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो बी पार्ट आपको खुद करना है, ए और सी मैं समझा देता हूँ। पावर माइनस में दिखाई दे रही है, पावर को प्लस में करने के लिए क्या करेंगे, फाइव अपॉन थ्री कर देंगे। ठीक है, पावर हो गई प्लस में और ये सिंप्लीफाइड हो गया, बस इतना ही करना है इसमें, इतना ही बस, ये आंसर आ चुका बेटा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको देखो पावर यहाँ पे माइनस में है, पावर को प्लस में करने के लिए क्या करेंगे, फाइव अपॉन थ्री कर देंगे, और इसकी पावर वन लिखने का तो कोई मतलब नहीं है, जैसे मैंने इस पर नहीं लिखा, ये मैंने आपको समझा रखा है कि ऊपर आप वन पावर को वन नहीं लिखें, प्लस की वन अगर पावर है तो वो लिखने का जरूरी नहीं होता बेटा। आगे चलते हैं, ये कैसे करेंगे, टू अपॉन फाइव हो जाएगा, पावर हो जाएगी प्लस की वन, जो लिखना जरूरी नहीं है, फाइव से फाइव कट गया, टू अपॉन थ्री आपका आंसर आ गया। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का बी और डी सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। मैंने बी और डी लिख दिया, ए और सी आप खुद कर लेना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पावर माइनस है, नीचे आके पावर प्लस, पावर ऊपर माइनस है, नीचे आके प्लस, वन लिखने का ऊपर जरूरत नहीं होता, पावर में ऊपर वन लिखने की जरूरत नहीं होती, अगर माइनस में है तो ज़रूरी है, माइनस में है तो ज़रूरी है। अगर यहाँ पे प्लस वन होता जो एक्चुअल में है वो लिखने की जरूरत नहीं है, 1/6 की पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है। और इसकी होल पावर क्या है, माइनस वन। इसको सोल्व कर लो, 1 से 1 को मल्टीप्लाई किया 1, और 5 को 6 से किया तो 30 पावर माइनस वन, ठीक है। पावर माइनस में है, एक्स अपॉन वाई पावर माइनस वन, पावर को प्लस वन करने के लिए क्या करेंगे, 30/1 पावर प्लस वन, पावर प्लस वन, प्लस वन लिखने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट 30 लिखो, अपॉन में 1 लिखने का भी जरूरत नहीं होता, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे पावर माइनस है, नीचे आके पावर प्लस में, माइनस नीचे आके ये भी पावर प्लस में, ठीक है। इसको सोल्व करो, डिवाइड का साइन, पावर नीचे आके प्लस में, क्लियर। इसको सोल्व करो, दोनों का एलसीएम कितना आया, दोनों का एलसीएम आया अपना 20, ठीक है। 5 बन जा 4, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए रेसिप्रोकल कर दो, 3/1, 5 में से 4 माइनस हुआ 1/20 मल्टीप्लाई 3/1, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 3/20, ये आपका आंसर। बेटा समझ में आया है, नहीं आया समझ में, आई थिंक आपको आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेटा नेक्स्ट 4th क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग। ए और सी मैंने लिखा है, आपको बी खुद करना है। रेसिप्रोकल मींस उल्टा, जो आंसर आए ना इनको सिंप्लीफाई करेंगे और जो आंसर आएगा उनको रेसिप्रोकल कर देंगे, बस इतना सा काम है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं, सबसे पहले इसको करते हैं। देखो यहाँ पे पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, एक पावर अंदर है एक बाहर है, तो पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये मैंने आपको बता दिया था। तो दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर दो आप, क्या आएगा, 1/4, दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको रेसिप्रोकल करना है, ठीक है। रेसिप्रोकल करने के लिए पहले रेसिप्रोकल मत करो आप, इसको पहले इसको और सिंप्लीफाई करो। और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ये 1/4 है, पावर है -3 में, ठीक है। तो ये 4/1 हो जाएगा, पावर हो जाएगी +3 में, क्लियर। अब इसको रेसिप्रोकल करो, और बल्कि इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो 4/3, क्योंकि अपॉन में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसको रेसिप्रोकल करते हैं, इतना तो हुआ है ये सिंप्लीफाइड, अब इसको करेंगे रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/3, और इसकी पावर क्या करेंगे, माइनस में, क्योंकि पावर ऊपर से नीचे आई तो माइनस में हो गई, पावर ऊपर से नीचे आई तो क्या हो गई, माइनस में। रेसिप्रोकल करने के लिए बोला था, यहाँ तक सिंप्लीफाइड हुआ, यहाँ तक सिंप्लीफाइड होकर रेसिप्रोकल कर दिया, आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, इसको सिंप्लीफाइड करेंगे फिर इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। चलिए भाई, बेस सेम, मल्टीप्लाई और डिवाइड, मल्टीप्लाई में पावर को ऐड कर दो, डिवाइड में पावर को सबट्रैक्ट कर दो, ठीक है। और सारे को एक साथ ही करेंगे, 4/7 -4/7 -2 +-3, और अब होगा माइनस में, माइनस में क्या होगा, 5, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब आगे, -2 और -3 कितना होता है, -2 एंड -3 बेटा क्या होगा, -5 होगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, माइनस का 5 ऑलरेडी है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं बेटा, ये क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, -4/7, और इसकी पावर हो गई 0 माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस का 10 हो गया, ठीक है। पावर क्या होगी, -10, इतना तो हो गया ये सिंप्लीफाइड, और थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर दो, कैसे करेंगे, माइनस में पावर है तो प्लस में पावर ले आओ, इसकी प्लस में पावर लेके आने के लिए इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, ठीक है। 7/4, माइनस का साइन ऊपर ही रखना बेटा, और पावर हो गई प्लस में, अगर पावर ऊपर माइनस होती है तो प्लस में करने के लिए इनको रेसिप्रोकल कर देते हैं, ये मैंने आपको समझा रखा है, ओके। अब इसको क्या करेंगे बेटा, रेसिप्रोकल, ठीक है। रेसिप्रोकल करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर, या रेसिप्रोकल क्या होता है, किसी भी नंबर का, किसी भी वेरिएबल या नंबर का रेसिप्रोकल होता है 1/x, तो इसको 1/x करेंगे, इसको क्या करेंगे, 1/7/4 रेज टू द पावर 10, ठीक है। ये माइनस का साइन एज इट इज़,
एक्चुअल में अब होगा क्या, 4 ऊपर चल जाएगा और 7 नीचे रह जाएगा, मीन्स 4 ऊपर आ गया 7 नीचे रह गया और ये माइनस का साइन यहाँ पे 10। आई बच्चों बात समझ में? ठीक है, और इसको भी क्या लिख सकते हो, इसको आप एज इट इज़ भी छोड़ सकते हो, बिल्कुल ठीक है। तो ए और सी मैंने समझा दिए हैं, अब आगे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर विद नेगेटिव एक्सपोनेंट। नेगेटिव एक्सपोनेंट में लिखना है, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है, इसको नेगेटिव एक्सपोनेंट में कैसे करेंगे? बेटा आपको पता है कि जैसे मैंने आपको बताया था, अगर पावर ऊपर माइनस में हो तो नीचे आके कैंसिल आउट करो। यस बेटा किसी का कॉल आ गया था, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए, अगर किसी भी नंबर की पावर माइनस में है तो नीचे आके पावर हो जाती है प्लस में, और हम क्या कर सकते हैं, अगर सपोज करो पावर ऊपर प्लस में है तो हम नीचे लेके जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, नीचे आके पावर हो जाएगी माइनस में। मींस पावर नीचे से ऊपर आती है तो माइनस में, ऊपर से नीचे आ जाती है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी। ऊपर से नीचे जाती है या नीचे से ऊपर आती है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो ऊपर पावर है माइनस प्लस में और हमें क्या करना है, नेगेटिव एक्सपोनेंट में लिखना है। नेगेटिव एक्सपोनेंट में कैसे लिखेंगे, इसको नीचे ले आओ तो 7 की पावर माइनस 4, ये आपका आंसर। और आप इसको कैसे लिख सकते हो, 1/7 की पावर होल पावर माइनस 4। ठीक है, चलिए आगे वाले क्वेश्चन को करते हैं। लिख सकते हो ना 1 की पावर तो कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, और 7 की पावर माइनस 4 आई गई थी क्योंकि ऊपर से ये नीचे आया। आगे चलो बेटा, सभी पावर्स को मल्टीप्लाई कर लो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। अब आप बोलोगे सर इसमें तो 2 हैं, आपने तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। बेटा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 हो 3 हो 4 हो, पावर्स को सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर लो अगर बेस सेम है तो। बेस सेम मीन्स बेस एक ही है तो, सिंगल नॉट सेम, बेस अगर सिंगल है तो। ठीक है, चलिए इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 1 3, 3 2 6, तो 6 आ गया और 6 किस में आएगा, 6 आएगा माइनस में। ठीक है, ये माइनस में ऑलरेडी है ही, हमें अब इसको किसी भी टाइप से चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें नेगेटिव एक्सपोनेंट ही लिखना था, ये नेगेटिव ही है। ठीक है बच्चे, बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में सिंप्लीफाई करना है। मैंने ए और एफ ये 2 पार्ट लिखे हैं, बाकी के पार्ट्स आप खुद करने की कोशिश करना। अगर समझ में नहीं आए, कोई क्वेश्चन आपसे नहीं निकले, तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट या स्क्रीनशॉट बोल सकते हो या फोटो क्लिक करके भेज सकते हो। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट तो कैसे लोगे, वो तो पीडीएफ की लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर ए को सोल्व करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर ए को कैसे सोल्व करेंगे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 3/2 की पावर 2, इसको सिंप्लीफाई कर लो। 3 की पावर 2 कितना होता है 9, 2 की पावर 2 कितना होता है 4। ठीक है, मल्टीप्लाई, पावर नीचे माइनस में, ऊपर आके पावर हो जाएगी प्लस में। ठीक है, आगे चलो, मल्टीप्लाई का साइन, पावर ऊपर माइनस में, नीचे आके पावर हो जाएगी प्लस में, नीचे आके पावर हो जाएगी प्लस में। ठीक है, मल्टीप्लाई, पावर माइनस में है और एक्स अपॉन वाई की फॉर्म में है तो वाई अपॉन एक्स की फॉर्म में इसको चेंज कर दो, मीन्स 3/7 कर दो और पावर क्या हो जाएगी प्लस में। ठीक है, चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले इस 9 को क्या लिख दें, 9 को बेटा 3 की पावर 2 लिख दूं क्या, यहीं पे लिख देता हूँ 3 की पावर 2। ठीक है, चलिए अब जो 3 की जितनी भी पावर है ना, यहाँ पे ब्रैकेट अब लगाने की जरूरत नहीं है, सबसे पहली बात तो ये। ठीक है, यहाँ से ये 1 हटाओ। ठीक है, चलिए 3 की जितनी भी पावर है उनको आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 1 है और ये मल्टीप्लाई में आपको दिखाई दे रहा है, तो 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 1, ये नीचे है 3 की पावर 4 और ये 3 की पावर 4 नीचे है तो क्या होगी माइनस में, तो ये मैंने माइनस लिख दिया बेटा। ठीक है, चलिए अब आप बात करते हैं बेटा हम 4 की पावर की, तो यहाँ से आप देखो 4 की पावर 4। ठीक है, और नीचे क्या है, ये 4 की पावर 1 है तो नीचे है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, आगे बच क्या गया, ओनली 7 बच गया, तो 7 को नीचे एज इट इज़ लिख दो। ठीक है, 2+1 कितना होगा 3, 3 में से 4 गया तो -1, तो 3 की पावर -1, यहाँ क्या बचा 4 की पावर 3 बच गया, 4 में से 1 गया तो, और अपॉन में 7। ठीक है बच्चे, 4 की पावर 3 कितना होता है, 4 4 16 16 4 64, तो यहाँ 64 आ गया। ये 3 की पावर -1, 3 नीचे चला गया और नीचे क्या है 7 पहले से मौजूद है, तो 64/27 21, ये आपका आंसर, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। आपको समझ में आया होगा बेटा, अगर कहीं से भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप एक बार ध्यान से देखिए, फिर भी नहीं आता समझ में तो मेरे से पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ देखो बेटा,
ब्रैकेट्स को पहले ध्यान से देखो, ये ब्रैकेट है और ये ब्रैकेट है। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इनको सिंप्लीफाइड करते हैं, ठीक है, और पावर्स को अलग अलग लिख देते हैं। वन की पावर अलग, वन की पावर लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, थ्री की पावर थ्री लिख दो, या थ्री की पावर टू अलग से, टू की पावर टू अलग से, कौन से फॉर्मूले से कर रहे हैं, ये वाला, ठीक है, इसको इसमें चेंज कर रहे हैं, डिवाइड का साइन, पावर्स को मल्टीप्लाई में कीजिए, टू अपॉन थ्री की पावर माइनस थ्री अलग और यहाँ पे माइनस थ्री अलग कर देंगे ना, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस थ्री, दोनों को अलग अलग लिख दिया, सिंपल सी बात है बेटा। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करें बेटा तो क्या करेंगे यहाँ से, चले अभी अलग अलग ना लिख के, क्योंकि इसको रिवर्स कर देंगे, यहाँ पे डिवाइड का साइन है ना, इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। देखिए कैसे, वन अपॉन थ्री की पावर थ्री मल्टीप्लाई थ्री की पावर टू, टू की पावर टू, ये डिवाइड है, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो थ्री अपॉन टू रेज टू द पावर माइनस थ्री। समझ में आया है? नहीं, ये डिवाइड मल्टीप्लाई में हो गया और इसको रिवर्स कर दिया, ठीक है। चलिए अब बेटा बात करते हैं, अब इनको अलग अलग कर दो आप, वो ऊपर किया था वो भी ठीक था, उसमें भी कोई मिस्टेक नहीं थी, लेकिन हम यहाँ कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है कि मैंने अलग अलग इनकी पावर्स लिख दी, ठीक है। चलिए अब थ्री की पावर्स को अलग लिखते हैं और टू की पावर्स को अलग लिखते हैं। थ्री की पावर टू है, ये थ्री की पावर माइनस थ्री है, तो टू में माइनस थ्री ऐड करेंगे, ठीक है बच्चे। और अब करते हैं क्या, नीचे ये हो चुका, नीचे वाली पावर ये भी माइनस होगी, माइनस थ्री, ठीक है। चलिए टू के बारे में और डिस्कशन करते हैं, टू मैंने लिखा, टू को नीचे ही सोल्व कर दो या फिर आप ऊपर लेके आके भी सोल्व कर सकते हो, नीचे सोल्व कर दो बेटर रहेगा, नीचे सोल्व करते हैं। टू की पावर टू है यहाँ पे और ये बेस नेम है तो प्लस में होगा माइनस का थ्री, टू का, ठीक है। चलिए आगे देखो बेटा, अब आप क्या करोगे, माइनस थ्री और माइनस थ्री माइनस सिक्स, माइनस सिक्स प्लस टू, माइनस सिक्स प्लस टू माइनस का फोर, यहाँ पे क्या होगा, माइनस थ्री और प्लस टू क्या होगा, टू की पावर माइनस वन, ठीक है भाई। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, इसको ऊपर ले आओ, इसको नीचे ले जाओ, दोनों प्लस में हो जाएगी पावर्स, तो टू की पावर प्लस वन, नीचे थ्री की पावर प्लस फोर, तो यहाँ पे टू एज इट इज़ और थ्री की पावर फोर कितना होता है, 81, ये आपका आंसर बेटा, समझ में आया। चलिए बेटा आज के लिए मैं इतना ही करवा रहा हूँ, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे और जो नेक्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज है उसको भी कंप्लीट कर देंगे, ठीक है बेटा, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको मैंने इतना जो करवाया है वो आप ध्यान से घर पे अच्छे से पढ़ना, ठीक है, ओके बेटा, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।